आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टी टाइम स्नैक्स क्रिस्पी बॉक्स पैटीज। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। एक मैंने छोटे साइज की गाजर ली है, इसको इस तरह से क्रश कर लिया है। आधी मैंने बंधोबी लिए, इसको कट कर लिया। एक शिमला मिर्च थी, इसको मैंने इस तरह कट कर लिया। एक छोटी सी प्याज थी, मैंने इसको चॉप कर लिया है। एक कप ये है चिकन, इसको मैंने बॉइल कर लिया था नमक और लहसुन अदरक के साथ। और कुटा जीरा है हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर है हाफ टी स्पून, ये है कुटी मिर्च तकरीबन टू टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक वन टी स्पून और ये है गरम मसाला हाफ टी स्पून, चाइनीज नमक लिया है मैंने हाफ टी स्पून। फ्राई में टू टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें। हम सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। और गाइस प्याज को हमें जो है ब्राउन नहीं करना है, बस हमें थोड़ी सी देर इसको फ्राई करना है तकरीबन दो मिनट। ये देखिए हमारी प्याज जो है फ्राई होने लग गई है, बस हमें इसी तरह की प्याज चाहिए, इससे ज्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है प्याज। अब हम इसमें जो है वेजिटेबल डाल देंगे गाइस। ये देखिए मैं सारी सब्जी इसमें डाल चुकी हूँ। और गाइस फ्लेम को जो है मैंने लो रखा हुआ है, हाई नहीं है फ्लेम, इसी तरह लो फ्लेम पर आप लोग भी इसको पकाइएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह सब्जियों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले निकाल रखे हैं, सारे इस स्टेज पर डाल देंगे। और अब हम मसालों के साथ भी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे गाइस। ये देखिए गाइस ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें टू टेबल स्पून के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें जो है स्टीम बन जाए और वेजिटेबल जल्दी से पक जाए। इसमें कवर लगा दूंगी दो मिनट के लिए। गाइस दो मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और वेजिटेबल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें से पानी भी देख सकते हैं आप खुश हो गया है। अब हम इसमें जो चिकन थी वो डाल देंगे और चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छी तरह जो है इसको मिक्स कर लिया है। अब हमारी जो फीलिंग है वो तैयार हो चुकी है, हम जो है इसको ठंडा कर लेंगे। गाइस मैंने इसको बाउल में निकाल लिया और ये ठंडी हो चुकी है। अब ये मोजरेला चीज है, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और इस तरह से अगर आप चाहें तो स्लाइस में भी लगा सकते हैं। ये मैंने टू टेबल स्पून जो है मैदा लेकर इसकी एक लई बना ली है, थोड़ा सा पानी डाल के आप देख सकते हैं। अब हम जो है इस तरह की समोसे की पट्टी लेंगे गाइस और अभी आसानी से ये बॉक्स बन जाएंगे। ये देखिए मैंने एक पट्टी इस तरह रख दी है और इस पर हम थोड़ी सी इस तरह लई लगाएंगे और दूसरी पट्टी इस पर इस तरह से चिपका देंगे ताकि ये हिले नहीं। और इसको चिपकाने के बाद अब हम जो हमने फीलिंग तैयार करी है वो इसमें रखेंगे। ये देखिए गाइस मैंने इसमें फीलिंग रख दी है, आपकी मर्जी आप कम या ज्यादा जितनी रखना चाहें इसमें रख सकते हैं। अब हम इसमें जो है चीज डालेंगे, मैंने जो है मोजरेला चीज को ग्रेट कर लिया था। ये देखिए अब हम इसमें जो है लई लगाते रहेंगे और इसको इस तरह से चिपकाते रहेंगे, यानी कि अब हमें इसका एक बॉक्स बनाना है। ये देखिए गाइस अब मैं एक दफा और इस पर लई लगा रही हूँ अच्छी तरह और इसको इस तरह से चिपका देंगे। अब हम इस साइड पर भी इसकी लई लगाएंगे और दूसरी साइड जो एक रह गई है इसको भी इस तरह से बंद करते हुए हम इसको चिपका देंगे। कितनी आसानी से ये देखिए बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे गाइस। और ये जो समोसे की पट्टियां होती है ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, आप लोग जो है किसी भी बेकरी वगैरह से आप मालूमात करेंगे तो उससे आपको मिल जाएगी। ये देखिए गाइस अब मैं इस पर दोबारा से इसको चिपका कर और इस पर फीलिंग रख रही हूँ और फीलिंग रखने के बाद हम इस पर चीज डालेंगे गाइस। अब मैं आपको स्लाइस रखकर दिखा रही हूँ, ये भी हम आप लोग बहुत ही आसानी से स्लाइस करके भी इस पर रख सकते हैं। अब हम इस पर जो है अच्छी तरह लई लगाते रहेंगे और इसको चिपकाते रहेंगे। देखिए अब मैं इस वाले को चिपका दूंगी और अब हम दोबारा से अच्छी तरह लई लगाएंगे और ये लास्ट वाला भी इसको टाइट करके हम चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए गाइस ये वाला बॉक्स भी तैयार हो गया। इसी तरह मैं सारे बॉक्स बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए गाइस मैंने जो है मैदे की स्लेरी बना ली है, बहुत पतली सी है ये हमने सारे बॉक्स तैयार कर लिए और ये क्रम्स है ब्रेड क्रम्स। अब हम इसको फ्राई करते हैं गाइस। ये देखिए मैंने ऑयल जो है पहले ही गर्म करने रख दिया था, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, ऑयल अभी हल्का सा गर्म हुआ है, ज्यादा तेज गर्म नहीं है। इसमें हम जो है इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसको स्लेरी में रखेंगे और अब हम इन दोनों साइडों पर इस पर कोट कर लेंगे गाइस। और कोट करने के बाद हम इसको जो है ब्रेड क्रम में रखेंगे और ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेंगे इसके ऊपर। गाइस मैंने जो है मैदा सिर्फ टू टेबल स्पून मैदा लिया था और इसको जो है पानी में घोलकर इसकी पतली सी स्लेरी बना ली है और कुछ भी इसमें नहीं डाला है। ये देखिए अच्छी तरह ब्रेड क्रम मैंने लगा दिया है, अब मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। इसी तरह हम दोबारा से एक और बॉक्स लेंगे और इसको इसी तरह स्लेरी में लगाकर और फिर हम इस पर ब्रेड क्रम लगा देंगे गाइस। आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये बॉक्स जो है घर में ही तैयार कर लिए हैं। अगर आप लोग बाजार से लेने जाएंगे तो ये बॉक्स जो है बहुत महंगे मिलते हैं। ये देखिए ये भी हमने जो है ऑयल में डाल दिया है। ये देखिए गाइस मैंने सारे बॉक्स पे जो है कोटिंग कर इनको डाल दिया है ऑयल में और अब मैं इनको जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूंगी जब तक इन पे जो है अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इन पे जो है कलर आने लग गया है और ये क्रिस्पी भी होने लग गए हैं गाइस। तकरीबन एक मिनट और लगेगा इनको फ्राई होने में। ये देखिए गाइस ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको जो है निकाल लूंगी। इस तरह से हम निकालेंगे थोड़ा ऑयल को झाड़ते हुए और छन्नी वगैरह में आप रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका निकल जाए। दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे चिकन चीज क्रिस्पी बॉक्स पैटीज तैयार है, बहुत ही जबरदस्त ये बने थे। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा।